बदतमीजी तो वो कर रहा था उन छोरियों के साथ। ऐसे किसी के रंग रूप पर नंबर देना, छी कितनी गलत बात है ये। Come on, चाची, ये छेड़ना चढ़ाना सब चलता है कॉलेजेस में। आपने तो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की ना, तो आपको पता नहीं है कि लड़का और लड़की के बीच में आइस ब्रेक कैसे होती है। आइस ब्रेक का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान झिझक, हेजिटेशन कम हो जाए। वर्णिका, मैं मानती हूँ कि मैं कभी कॉलेज ना गई, लेकिन मारे को पता है आइस ब्रेक क्या होता है, और वो एक तमीज में रहकर भी किया जा सकता है। लेकिन वो छोरा बहुत बदतमीज है, तुम उसे अपना दोस्त कैसे बुला सकती हो? हमारी बात मानो, उसकी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगी, उसकी संगति तुम्हारे लिए। Excuse me. मुझे किससे दोस्ती रखनी है और किससे नहीं रखनी है ना, इसकी एडवाइस मैं आपसे नहीं लूंगी। बढ़िया ही मिस बहन जी। वर्णिका, अपनी चाची से कैसे बात करते हैं ये बात भूल चुकी हो तुम? रिश्तों के सारे लिहाज भूल चुकी हो तुम? मैं काफी दिनों से देख रहा हूं, बार बार अपनी हद पार कर रही हो वर्णिका। बिहेव वर्णिका, बिहेव। अपनी चाची से माफी मांगो। वर्णिका, खानदार साहब रुकी, जहाँ पे कुछ मत बोलिए, मैं सब संभाल लूंगी। क्या तरीका है उसका तुमसे बात करने का? थानेदार साहब, वर्णिका से बात करने की कोशिश करेंगे। शायद उसे बहुत अजीब लग रहा है कि उसकी चाची उसके कॉलेज में पढ़ने आ गई। दो तीन दिन का समय दीजिए, देखना सब कुछ सही हो जाएगा। मैं वर्णिका को हमारी वजह से ना शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, और आपको हमारी वजह से किसी से लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप गए नहीं? गया था और जाकर वापस आया हूँ इसके लिए। और फिर टिफिन भूल गई थी, लेकिन इसके लिए यहाँ तक आने की क्या जरूरत है? थैंक यू हमारे तिल के लड्डू। अब यहाँ की ड्यूटी हो गई ना, तो आपको थाने की ड्यूटी भी तो करनी है। हाँ ठीक है, और जा रहा हूँ मैं, तुम खाना खा लेना और बाहर का कुछ मत खाना, और पानी रखा तो वो पानी पी लेना। हाँ। और वो ड्राई फ्रूट वो भी खा लेना। बाय।